हाँ हेलो, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, वीडियो बना के मैं कॉल करता हूँ। ओके ओके चलो। हेलो इंजीनियर्स, तो आज हम लोग बनाएंगे एक मोबाइल फोन। आप देख रहे हैं ये एक बॉक्स है, एक्चुअली एक बॉक्स नहीं है, ये एक मोबाइल फोन है जो कि कीपैड मोबाइल है। तो ये कीपैड मोबाइल किस प्रकार से बनाते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। इसमें से सिर्फ आप लोग कॉल कर सकते हैं और SMS भेज सकते हैं। तो ये एक बढ़िया एक गैजेट है, तो आप इसको घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो इस वीडियो का अगर देखेंगे तो आसानी से आप लोग भी घर पे ये मोबाइल बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो। जी हाँ दोस्तों, देखते रहिए वीडियो। मैं गांधी और ओडिशा में आप लोगों का स्वागत है। हाँ बोलो। ओके 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 चलो ठीक है बाय। तो अभी देखिए, इस मोबाइल पे मैं कॉल करूँगा। तो जब भी सी प्रेस करेंगे, यहाँ पे दिखा रहा है जो कि नंबर लिखने के लिए, तो नंबर मैं लिख रहा हूँ। तो अभी देख सकते हैं, मैं नंबर इसमें लिख रहा हूँ। तो अभी कॉलिंग देंगे, कॉलिंग। अभी अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलिंग आ गया है। तो मैं अभी इसको कट करूँगा, तो ये कट हो गया है। तो अभी देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एक मोबाइल आप देख सकते हैं। तो ये एक कीपैड मोबाइल है, कोई स्मार्टफोन नहीं है। तो आप इसमें से आसानी से बात कर सकते हैं किसी भी मोबाइल पे। तो इसका जो प्रोजेक्ट है वो किस प्रकार से बनते हैं चलिए देखते हैं। ये एक डिवाइस है जिसका नंबर है SIM 800L, मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 800 मेगाहर्ट्ज़ में चलता है। इसका जो सिम है वो 800 मेगाहर्ट्ज़ में अगर होगा तो ही ये काम करेगा। तो इसका जो पहला पिन है वो है, हम लोग लगाएंगे एंटेना पे। उसके बाद जो है वो है BCC यानी कि 5 वोल्ट। उसके बाद जो जो है रीसेट, इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद है RXD, हम लोग RXD को कनेक्शन करेंगे। उसके बाद है TXD, हम लोग TXD मतलब ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, डाटा। उसके बाद जो है वो है ग्राउंड। इस तरफ अगर देखेंगे तो पहला जो है वो रिंग है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है DIR, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद है माइक, मतलब माइक का जो एक पिन हम लोग लगाएंगे। उसके बाद है माइक टू, मतलब दो नंबर पिन को हम लोग इस पॉइंट पे लगाएंगे। एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव माइक का। और जो स्पीकर है इस पर लगाएंगे हम लोग स्पीकर। उसके बाद दो नंबर स्पीकर, मतलब इस पर स्पीकर का पॉजिटिव होगा, इस पर स्पीकर का नेगेटिव होगा। इस तरह हम लोग इसका कनेक्शन करके हम लोग इसको बना सकते हैं।